इंटीग्रेशन जो होगा वो जीरो होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एवेल्यूएट एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सी डी जेड और जेड स्क्वायर प्लस नाइन वेयर सी इज जेड प्लस थ्री आयोटा बराबर टू एंड मोड जेड इक्वल टू फाइव। यानी हमारे पास एक इंटीग्रल है और उसके लिए हमें सॉल्व करना है इसको, और जेड प्लस थ्री आयोटा बराबर टू है और मोड जेड बराबर फाइव है, तब हमारे पास इंटीग्रेशन है। दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, एक हमारे पास ये सर्कल दी सॉरी ये क्लोज कर्व है जेड प्लस थ्री आयोटा बराबर टू और सेकेंड है हमारे पास मोड जेड बराबर फाइव। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करने हैं, तो इन इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर एफ जेड बराबर वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस नाइन, द पोल ऑफ एफ जेड कैन बी डिटरमाइंड बाई इक्वेटिंग द डेनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। तो जेड स्क्वायर प्लस नाइन को हमने जीरो के पुट पर कर दिया, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आयोटा। अब फ्रेंड्स जेड जो फर्स्ट सर्कल था वो क्या था हमारे पास, जेड प्लस थ्री आयोटा बराबर टू और सेकेंड है जेड बराबर फाइव। तो यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर बराबर नाइन या जेड इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आयोटा। जो प्लस माइनस थ्री आयोटा एक तो माइनस थ्री आयोटा यहाँ होगा और प्लस थ्री आयोटा यहाँ के कहीं ऊपर होगा। पोल एट जेड बराबर माइनस थ्री आयोटा लाई इन द गिवन सर्कल, क्योंकि अब सर्कल पर हम देखते हैं तो ये जेड प्लस थ्री आयोटा इक्वल टू टू, यानी कि ये जो है रेडियस है और ये जो पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है फ्रेंड्स। जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है, यहाँ पे ए जो होता है वो सेंटर होता है। तो यहाँ पे ये को देखते हैं तो माइनस थ्री आयोटा ये है, तो ये जो सर्कल है उसका पॉइंट है जो माइनस थ्री आयोटा। तो एक पॉइंट जो एक जो सेंटर है पोल है वो माइनस थ्री आयोटा है जो इस सर्कल के अंदर है। तो उस कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, पोल एट जेड बराबर माइनस थ्री आयोटा लाई इन द गिवन सर्कल सी, देन एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस नाइन डी जेड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन जेड प्लस थ्री आयोटा जेड माइनस थ्री आयोटा डी जेड। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड माइनस थ्री आयोटा, वन माइनस जेड अपॉन थ्री आयोटा और अपॉन जेड प्लस थ्री आयोटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं जेड प्लस थ्री आयोटा जेड माइनस थ्री आयोटा ये जो है हमारे पास सॉरी जेड प्लस थ्री आयोटा ओनली एक सिंगुलरिटी है। हम आगे पढ़ेंगे अगर सिंगुलरिटी का ऑर्डर वन टू हो सेक थर्ड हो तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता है वो हमें आगे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी जो पावर है यानी उसकी जो ऑर्डर है वो ओनली वन है तो सिंपली टू पाई आयोटा इसका हो जाएगा और वन माइनस जेड माइनस थ्री आयोटा, जेड बराबर माइनस थ्री आयोटा पुट करेंगे तो हमारे पास टू पाई आयोटा वन माइनस माइनस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे अगर इसकी पावर स्क्वायर हो थर्ड क्यूब हो तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। ये जब है हमारे पास जब ऑर्डर जो पोल है उसका ऑर्डर वन हो उस कंडीशन हम सिंपली टू पाई आयोटा यहाँ से, क्योंकि जो उस जिस पर हमारे पास पोल है वहाँ पर टू पाई आयोटा, बाकी जिस पर पोल नहीं बन रहा है उसके लिए वन अपॉन जेड माइनस थ्री आयोटा और जेड इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा। तो टू पाई आयोटा और ये हो गया वन अपॉन माइनस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई बाई थ्री इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, बोथ द पोल जेड बराबर थ्री आयोटा एंड जेड बराबर माइनस थ्री आयोटा लाई इनसाइड द गिवन सर्कल, क्योंकि जेड बराबर जो सेकंड वो थी हमारे पास वो थी जेड बराबर फाइव। तो जेड बराबर फाइव यानी ये यहाँ पे फाइव है यहाँ पे फाइव है, तो थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा दोनों अंदर है उसके, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड बराबर वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस नाइन डी जेड। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा जेड माइनस थ्री आयोटा डी जेड। अब फिर उसके बाद आ गए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड माइनस थ्री आयोटा जेड प्लस थ्री आयोटा डी जेड प्लस वन सी टू जो है वो हमने वन अपॉन जेड प्लस थ्री आयोटा अपॉन जेड माइनस थ्री आयोटा डी जेड। तो सी वन और सी टू अलग अलग इस तरह से चेंज कर लिया हमने कि सी वन जो है नीचे वाला पार्ट है और सी टू जो है ऊपर वाला पार्ट है। तो इस तरह से हमारे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास टू पाई आयोटा और यहाँ पे जेड बराबर माइनस थ्री आयोटा लिख दिया, इस तरह टू पाई आयोटा जेड प्लस थ्री आयोटा जेड बराबर थ्री आयोटा लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो आ गया वो जीरो आ गया। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। If एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन R बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2, यानी कोई दो सिंपल क्लोज कर्व है C1 एंड C2,
के बीच में एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। देन हमारे पास एफ जेड सी वन एफ जेड डी जेड बराबर सी टू एफ जेड डी जेड। प्रूफ, इसको प्रूफ पढ़ते हैं हमारे पास, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड बराबर जीरो, जो कि हमारे पास फर्स्ट से पहले जो थ्योरम पढ़ी थी कोची इंटीग्रल थ्योरम, उसमें हमारे पास ये था हमारे पास, वेयर द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अलोंग ए बी, यानी अगर इंटीग्रेशन का पाथ जो अलोंग है ए बी है, एंड कर्व सी टू इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंड अलोंग बी ए एंड अलोंग सी वन इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी ए बी इसके तो हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, और अगर बी ए के चलते हैं तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। तो हमारे पास ए बी एफ जेड डी जेड, यानी कि सी वन जो है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं सी टू जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और सी वन जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया ए बी एफ जेड डी जेड माइनस सी टू एफ जेड डी जेड प्लस बी ए एफ जेड डी जेड प्लस सी वन एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन जो इसके ए बी